नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुकराम। उत्तर प्रदेश के ब्लॉक प्रमुख चुनाव यानी कि बीडीसी चुनाव में जिस तरह की हमें खून खराबा, लड़ाई झगड़े और सरे आम महिलाओं की साड़ी खींचना और पर्चे भरने से रोकना, ये हमें साफ दिखा। वो किसी से छिपा नहीं, पुलिस एक तरह से मूक दर्शक बनकर खड़ी रही है। कहीं पर दिखी हल्की फुल्की कार्रवाई करते हुए, लेकिन जिस तरह का तांडव हमें देखने को मिला, ये अभी तक हमें शायद ही किसी चुनाव में देखने को मिला हो। इसके बाबत बहराइच में एक शख्स की हत्या भी कर दी गई है, जिसका आरोप सामने वाले प्रत्याशी पर, जो भारतीय जनता पार्टी से बताया जा रहा है, उस पर लगा है। पूरी खबर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा, लेकिन उस पर जाने से पहले अपील है, वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम चलते हैं इस खबर की तरफ। देखिए, जिस तरह की तस्वीरें पिछले 2-3 दिन में आप लोगों ने देखी बीडीसी चुनाव के दौरान, ऐसी तस्वीर शायद आपने ना देखी है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ जिस तरह से बदसलूकी की गई पुलिस की मौजूदगी में, वो किसी से छिपी नहीं है। अब गोदी मीडिया इस पर खामोश है, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि मामला उत्तर प्रदेश है और वहां पर एक खास पार्टी की सरकार चल रही है, तो शायद गोदी मीडिया की जुबान पर भी ताला लगा हुआ है। यहीं पर बहराइच में खरीघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत चुनावी रंजिश के चलते बीडीसी के पति के बड़े भाई यानी कि जो महिला है, उसके जेठ की बट से मारकर, बंदूक की बट से मारकर हत्या कर दी गई। आरोप लग रहा है सामने वाली पार्टी पर यानी कि भाजपा प्रत्याशी पर। इस पूरी घटना को अंजाम कल लाद दिया गया है, जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बीडीसी के घर पर वोट मांगने के लिए आए थे। जब बीडीसी नहीं मिला तो उन्होंने गुस्से में उनके जो बड़े भाई थे मायाराम, उसको पीटने लगे और जो गन थी उसकी बट से लगातार पीटने लगे, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। समाजवादी जिला अध्यक्ष वहां पर जो है रामहर्ष यादव, उनका ये कहना है कि उस वक्त जब ये पीटे जा रहे थे, वहां पर सादी वर्दी में पुलिस वाले भी मौजूद थे। पुलिस वालों ने भी मौके की नजाकत को समझते हुए फिलहाल वहां पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। और विमलेश कुमार जो वहां के थाना प्रभारी है, उन्होंने ये बताया कि शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उसके बाद 4 नामजद लोगों के खिलाफ FIR मौत का मुकदमा यानी हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और आगे ही कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। लेकिन ये दर्शाता कि उत्तर प्रदेश में बीडीसी चुनाव में यह हाल है, तो हो सकता है कि विधानसभा चुनाव वाले में तो भगवान मालिक है क्या हो जाए, क्योंकि जिस तरह से यहां पर बीडीसी चुनाव में हमें देखने को मिला है, सरेआम महिलाओं की बेइज्जती जिस तरह से हुई है, अपहरण करने तक की कोशिश की गई है और पुलिस की मौजूदगी में वो किसी से छिपी नहीं। 3 दिन से लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं इस तरह की, जहां पर लगातार इस तरह की हरकतें की जा रही थी। अब आप लोगों का क्या कहना है इस चुनाव को लेकर, नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड में।